अपनी ब्रांड न्यू निसान GTR को लेके भाई चला रहा हूँ मैं इस मोहल्ले के अंदर, और जो ड्रिफ्ट है और साथ ही साथ जो बूस्ट है उसका अलग ही मजा आ रहा है। फिलहाल सुबह सुबह आ चुका हूँ गैस एक रेस के लिए। रेसेस में उतना कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई कुछ बढ़िया वाली रेसेस अटेंड करने का। वैसे तुम लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि भाई अगर हम लोग जो बंदा मान लो रेस कर रहा है उसके अगेंस्ट में एग्जैक्टली वही गाड़ी लेकर जाएंगे तो वो बंदा भाई अपनी गाड़ी ही लगा देगा बेट पे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस बंदे के पास सुपरा लेकर जाएँ क्या? बट सुपरा ले जाने से पहले ज़रा कार मार्केट प्लेस घूम के आते हैं गाइस, क्योंकि कार मार्केट प्लेस आज ओपन है तो एक बार चेक करना तो बनता है भाई कि आज वो लोग क्या ऑफर कर रहे हैं। लेट्स गो, निसान GTR लेके चलते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला भाई, क्योंकि तुम लोग मेरी स्पीड जानते ही हो, देख रहे हो तुम लोग 250 की रफ्तार भगा रहा हूँ मैं इन गलियों में। नहीं किधर चला गया मैं? ओ रुक जा, ओए मेरी GTR रुक जा, GTR डैमेज हो गई पूरी और सीधी भी नहीं हो रही है। तो ये ओके हो गई। ये बड़े बड़े पत्थर कब आ गए यहाँ पे? हाँ तो ये रहा कार मार्केट प्लेस। इस कार मार्केट प्लेस के चक्कर में भाई मेरी GTR डैमेज हो गई। फटाफट से यहाँ पर चेकआउट करते हैं कोई बढ़िया सी गाड़ी मिली। यस पोर्शे, पोर्शे में फायदा हो जाता है यार, इसलिए मैं हर बार ले जाता हूँ यहाँ से। चल ओ 187 पागल है क्या? 147 में देनी है तो बता वरना निकल दूँ यहाँ से। चल चल 147 में नहीं दे रहा। 155 ब्रो, इससे ज़्यादा तो आई गेस मैं नहीं दे सकता तुझे भाई। ओके थैंक यू। चलो पोर्शे ले लिए, इसको भिजवा देता हूँ। और कोई सी लेने लायक गाड़ी है? क्योंकि मेरे को फटाफट से यहाँ से कैसी भी गाड़ी लेके भाई पोर्शे के साथ रेस करने के लिए जाना है। नहीं और कोई ढंग की गाड़ी नहीं है। चलो भाई अभी यहाँ से सबसे पहले मेरे को सुपरा के साथ रेस करने के लिए अपने शोरूम जाना पड़ेगा, वहाँ से सुपरा उठानी पड़ेगी और फिर रेस के लिए जाना पड़ेगा। चलो चलो। अबे यार कितनी डैमेज कर रहा हूँ। चलो डैमेज नहीं हुई, आराम से सुपरा। चलो 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 भाई सुपरा का टाइम है ये रेस का। अबे रेसिंग वाली जगह कहाँ थी? वहाँ पे, जल्दी लेकर चलते हैं इसे। यार वो बंदा भाग ना गया और जो सुपरा लेके आया था रेस के लिए? नहीं भागा है वो। ओके तो जरा चेक करते हैं भाई क्या लिटरली में मैं एग्जैक्टली वही गाड़ी लेके जाऊंगा तो वो पूरी गाड़ी की ही बेट लगाएगा। ओए बेट इस कार। और अब भाई साहब यार लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा भूल गया रेस कैसे होती थी। एक काम करते हैं पहले इन वाली एंटी से एक छोटी सी रेस कर लेते हैं फिर उस सुपरा वाले से रेस करेंगे, क्योंकि मैं लिटरली में भूल चुका हूँ यार कैसे होती थी रेस। ओके चलो थोड़ा बहुत याद है मेरे को। पहले ये बढ़िया वाले इनके सिनेमैटिक्स चलेंगे और उसके बाद स्टार्ट इंजन। चलो भाई स्टार्ट कर दिया इंजन, फटाफट से गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं। ये मेरा बेस्ट डिसीजन था भाई सबसे पहले इस गाड़ी के साथ रेस करने वाला, क्योंकि मैं लिटरली में भूल गया हूँ कैसे कैसे क्या करना था। चलो ओके 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 भगा लो गाड़ी फुल स्पीड, आराम से नाइट्रो दिया और गाड़ी अपनी निकल गई आगे, निकल गई आराम से भाई कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो याद आ गया सब कुछ मेरे को। अब सिंपली उस सुपरा के साथ रेस कर लेते हैं। अबे वो कहाँ गया? सुपरा वाला बंदा भी तो यही था। अरे तू कहाँ से आ गया बे? अबे सुपरा थी भाई यहाँ पे। वेट व्हाट यार, मतलब वो बंदा चला गया? अबे यार बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, वो सुपरा वाला बंदा हाथ से निकल गया। अच्छा खासा मेरे पास मौका था भाई। 3, 2, 1 बढ़िया से सुपरा जीतने का, मेरे तो मन ही नहीं कर रहा भाई रेस में, क्या ही रेस करूं। अच्छी खासी सुपरा हाथ से निकल गई। छोड़ो वापस अपने शोरूम चलते हैं, और आज मेरा मिशन होने वाला है गाइस अपने शोरूम को अपग्रेड करना। और आज मैं देखने वाला हूँ कि मैं अपने शोरूम को मैक्सिमम कितना अपग्रेड कर सकता हूँ, कितना ब्यूटीफुल बना सकता हूँ, कितना क्रेजी बना सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें शोरूम निकल लेते हैं। लास्ट टाइम ये अपने आप ही ऐसा अपग्रेड हो चुका था भाई, अब इससे हमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बनाना है। लेट्स सी इससे आगे हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। बाकी ये सही है यार, ये जो ट्रैश है इससे मैं मस्त वाला फुटबॉल खेल सकता हूँ और कुछ होता नहीं है इससे। चलो भाई सबसे पहले तो लेट्स अपग्रेड दिस ऑफिस, बहुत छोटा है अपना ऑफिस, इसको अपग्रेड करते हैं हम लोग फाइनली। ओके अबे अपग्रेड वाला सीन खत्म हो गया। वेट व्हाट, अपग्रेड वाला लिटरली में सीन खत्म हो गया। अब डायरेक्ट में ऑफिस एडिट कर सकता हूँ। ये तो रहा भाई। और अब $1,000,000 चले जाएंगे मेरे पास, फिर बचेगा क्या? मैं एक काम करता हूँ सेकंड लेवल का अपग्रेड करता हूँ। हाँ चलो भाई, और अभी शोरूम को एडिट करते हैं। ठीक है यार अपने पास इतनी बड़ी भी जगह आ चुकी है, इतनी बड़ी जगह में अच्छा खासा हो जाएगा शोरूम।
इन गाड़ियों को हटाते हैं पहले, पैसे कम है, पहले पैसे बहुत सारे कमा लेने चाहिए थे, फिर अपग्रेड करता तो ज़्यादा बेटर रहता, डायरेक्ट फाइनल वाले पे ही अपग्रेड कर पाता मैं। लेकिन छोड़ो, पहले सेकंड लेवल पर अपग्रेड करते हैं, फिर फाइनल लेवल के बारे में सोचेंगे। ओके, मैंने शोरूम क्लियर कर दिया एकदम, अब चेकआउट करते हैं क्या क्या कर सकता हूँ मैं। ओके, तो ऑफिस अपग्रेड तो मैंने कर लिया है, एडिट मोड में चलते हैं और यहाँ से मैं एक तो अपना ऑफिस कहाँ रखना है ये सेलेक्ट कर सकता हूँ, इससे रिस्टोर कर सकता हूँ और इससे, अबे क्या कर दिया मैंने, ये सब एक ही जगह पे आ गया। अच्छा, ये सब हटा दिया मैंने, मैं क्या पर्सनली इसे सबको एडिट कर सकता हूँ? एक बात बताओ भाई, ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने, शोरूम अपग्रेड करने की जगह डाउनग्रेड कर दिया मैंने तो। फ्लाइट कार्स का पूरा ये बड़ा वाला बोर्ड हटा दिया मैंने। ओके, यहाँ पर पर्सनली लाके इसे एडिट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट गॉट इट। और इस तरीके से मैं कैमरा मूव भी कर सकता हूँ। ओके, समझ गया। ओके, तो यहाँ पर मैं पर्सनली चीज़ें उठा उठा के रख सकता हूँ भाई, कि मेरे को कहाँ पर चीज़ रखनी है। ओके, ये बढ़िया चीज़ है भाई। अरे ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है भाई गेम के अंदर, मज़ा आएगा सारी चीज़ें अपग्रेड करने में। अबे ये फ़िलहाल रख क्यों नहीं पा रहा मैं, अबे रख दे। ओके, अभी पहले एक काम करते हैं गाइज, हम लोग पहले अपने ऑफिस को फुल्ली एकदम अपग्रेड करते हैं, मतलब अपग्रेड क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। सबसे पहले तो भाई सब कुछ हटा डालता हूँ मैं, मेरे को अभी फिलहाल अपने इस ऑफिस में कुछ भी नहीं चाहिए। सब हटाओ भाई, सब हटाओ, सब कुछ हटा डालो। अच्छा, ये सब हट रहा है तो पैसा भी आ रहा है मेरे पास इन सब का। चलो, मेरे को अभी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मेरे को भाई पूरा का पूरा शोरूम बिल्कुल एकदम नए सिरे से बनाना है। साइन बोर्ड ना हट जाए गलती से, इसको इधर कहीं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता तो फिलहाल इसे भी हटाओ। अच्छा, ये नहीं हट सकता, अबे तो इधर ही रखो 2 मिनट अभी। और यहाँ पर फाइनली ये पूरी की पूरी जगह ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। यार क्या अजीब लग रहा है, ये पूरा शोरूम हटा दिया मैंने अपना लिटरली में, वापस बंद तो जाएगा ना ये, पता चला कुछ नहीं बना लास्ट में। अब वॉल्स या फिर फ्लोर्स, ये वॉल्स हैं, ओके फ्लोर्स है आई गेस ये। अच्छा, वॉल्स ही है भाई, ये विंडोज हैं ये, इसके अलावा ये डोर्स हैं। वो डोर्स कितने अलग अलग टाइप के हैं भाई, ये सपोर्ट्स हैं और ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं सारे के सारे। फिलहाल अभी डेकोरेशंस की तो ज़रूरत नहीं है हमें, यार काफ़ी सारी महंगी महंगी चीज़ें हैं, बट हाँ उतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, अपने पास इतने तो पैसे हैं कि एटलीस्ट हम लोग पूरा ये कंप्लीट कर सकें। फिलहाल ये है फ्लोर, तो सबसे पहले तो भाई जितने एरिया में जितना बड़ा अपना शोरूम है पहले फ्लोर्स लगा देते हैं, फ्लोर्स लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स गो। कोई और डिफरेंट टाइप के फ्लोर्स नहीं है ब्रो? हेलो, ये तो वॉल्स है, ये कुछ आई गेस ये छत है, ये रूफ है, बस यही है। अब है तो फिर काय बात का कस्टमाइजेशन और किस बात का अपग्रेड यार। अबे इस जगह पे क्यों नहीं लग रहा भाई हेलो कुछ, उधर का क्या करूँ मैं? अबे उधर का सीन कौन ठीक करेगा? फेंसेस के अलावा और कोई फेंस भी नहीं है। अबे यार ये तो गलत सिस्टम हो गया यार पहले से। मैं आई गेस इतने तक ही शोरूम बना सकता हूँ भाई, ज़्यादा साइड में नहीं जा सकते हम लोग। ठीक है, फिलहाल इतने में ही बनाते हैं, मेरे को ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए इस वक्त। अबे रात हो गई, पूरा शोरूम साफ। अरे यार मेरा डस्टबिन कंप्यूटर सब एक ही जगह पे आ गया, अभी क्या करूँ मैं? आज ऑक्शन भी ओपन है, पहले शोरूम बनाऊँ कि ऑक्शन देख के आऊँ? एक काम करते हैं, ऑक्शन देख के आते हैं। एक ये गाड़ियाँ भी कितनी गंदी हो गई हैं, बिजी चल रहा हूँ आजकल तो मैं कुछ ज़्यादा ही भाई। ओके, यहाँ पर क्या है भाई? ये तो लोकल सी कोई गाड़ी है, ये भी कोई लोकल सी गाड़ी है, ये भी लोकल सी कोई गाड़ी है, और ये ओए पे ये थोड़ी, अबे सुपरा है क्या ये? पता नहीं यार, थोड़ी बढ़िया सी लग रही है ये, या सुपरा ये, आई हैव नो आइडिया, ढंग से कुछ पता नहीं चल रहा यार, क्लियर सुपरा ही लग रही है मेरे को तो भाई। ये एक काम करूँगा, 1 बजे आके देख लूँगा, लग तो मेरे को वैसे वो सुपरा ही रही है। ये देखो हेडलाइट, अबे हाँ वो सुपरा ही है, पहचान लिया भाई मैंने उसे। आज हमें कोई गाड़ी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आज हम लोगों ने सोच रखा है भाई, मैं बना के रहूँगा अपना शोरूम एकदम बढ़िया। फिलहाल ये विंडोज़ मैं लगा सकता हूँ, यार वॉल लगाऊँ या विंडोज़ लगाऊँ? देखो वॉल बढ़िया लगेगा, लेकिन शोरूम के अंदर अब गाड़ियाँ रहने वाली है। पहले क्या सीन था कि भाई पीछे की तरफ शोरूम था, ऑफिस था जिसमें, और आगे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, बट अब गाड़ियाँ जो है शोरूम के अंदर रहने वाली हैं। या फिर बाहर ही रखूँ मैं? नहीं नहीं, फिर तो पुराना वाला ही सीन लगेगा। नहीं नहीं, शोरूम बड़ा सा बनेगा, इसीलिए देखो गाइस शीशे की दीवारें होना ज़्यादा बेटर रहेगा। अबे ये कौन सी लगा दी मैंने? हाँ तो मैं कह रहा था इसलिए शीशा ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ये तो बिल्कुल सपाट शीशा है, इसके अलावा ये वाला शीशा है, ये है,
सारे लगा के देख लेता हूँ कौन सा वाला बढ़िया लग रहा है, अभी पता चल जाएगा। पांच टाइप के मैंने पांचों इधर लगा दिए हैं। लेट्स सी, ये वाला तो उतना कुछ खास नहीं लग रहा, इसमें तो कोई बॉर्डर ही नहीं है, ये तो पता भी नहीं चलेगा। पता चला कोई गाड़ी चलाते चलाते ठोक दिया भाई किसी ने मेरे शोरूम के अंदर, क्योंकि पता कहाँ चल रहा है इधर कोई शीशा है। ये थोड़ा बेटर लग रहा है, हाँ आई गेस ये वाला ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये तो पहले से ही था। एक काम करता हूँ मैं, इसका और इसका दोनों का मिक्सर लगा देता हूँ, एक शीशा ये, एक ये, एक ये, एक ये, हाँ ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स गो भाई, बढ़िया 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 सोच लिया मैंने। तो एक ये, एक ये, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, चलो $500 के हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं है, वैसे सारे ही $500 के हैं यहाँ तो। सो सबसे पहले ये, एक गैप छोड़ के, एक गैप छोड़ के, एक गैप छोड़ के, फिर ये एक गैप, ये ओके नाइस नाइस, फिर ये ये, अरे यार ये तो बढ़िया सा लग रहा है, इनके बीच में ये, अरे वाह भाई क्या शोरूम बना दिया मैंने, पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी शोरूम को देखने के बाद। तो ऐसे अभी सिर्फ दीवारें ही बनी है, अभी छत बनाना बाकी है इनकी। यार इतनी जगह बच गई, चलो इसका कुछ बाद में यूज़ कर लेंगे। मैं एक मंजिल की बनाऊँ, दो मंजिल की, यार जगह तो है नहीं, क्या ही टू फ्लोर बनाऊँ, बट एक बार फिर भी ऐसे मज़े के लिए बना देते हैं। यहाँ से छत लगेगी भाई, हाँ ये छत लगेगी यहाँ से। एक और चीज़ थी सपोर्ट्स, ये आई गेस हाँ ये सेकंड फ्लोर पर ले जाएगा, यहाँ पर ये लगा सकता हूँ मैं। यहाँ से सिंपली कोई भी कस्टमर आएगा, या तो यहाँ से या तो इधर से, कस्टमर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर तक शायद भाई, अगर कोई ख़रीदने आएगा तो जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। एक काम करता हूँ यहाँ लगा देता हूँ, या फिर इधर, यहाँ यहाँ फाइनल, या बाहर से, ओ नाइस यार, लुक ख़राब हो जाएगा लेकिन अंदर से भी तो लुक ख़राब। अब क्या करूँ मैं, कंफ्यूज कर दिया मेरे को, लगाओ भाई से। चलो बढ़िया लग रहा है, अभी फटाफट से छत बनाता हूँ मैं, ज़रा पता नहीं भाई कैसा लग रहा है, मैं तो बस बना रहा हूँ बिंदास एकदम। लेट्स गो, पूरा बन जाएगा तभी देखेंगे। तुम लोग जाकर गए तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, अभी तक लाइक नहीं किया तो, क्योंकि एकदम बेहतरीन वाली छत बनने वाली है और मज़ा सा आ जाने वाला है। जाओ वीडियो को लाइक करो। वेट, एक और चीज़ मैंने देखी थी भाई सपोर्ट्स में, ये $6,500 में क्या है, गाड़ी ऊपर ले जाने वाला है क्या भाई? और ये वो होगा शायद, वो शो पीस जो रखते हैं, वो गाड़ियाँ घूमती रहती है, वो समझ गया भाई। तो ये तो आई गेस मुझे इधर लगाना चाहिए था, इस वाले कोने में। क्या क्या करूँ मैं, कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग मेरे को। रुको भाई, छत हटाओ, छत हटानी पड़ेगी मेरे को थोड़ी सी, अभी बनी ही नहीं थी लेकिन पहले ही हटाओ। हाँ तो मैं कह रहा था ये आई गेस गाड़ियाँ ले जाने के लिए होगा पक्का। यार लेकिन मेरा तो शोरूम ही भर जाएगा इससे, जगह ही क्या खाक बचेगी। अरे इधर कहीं एडजस्ट हो जाए यार तू, और कहीं इधर प्लीज़। आई गेस यहीं लगाना पड़ेगा ये, चलो लगा दिया मैंने, बस कुछ बन जाए ये। पता चला कुछ और ही अजीबोगरीब बन गया ये। ओके फाइनली यहाँ पर पहली छत ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हुई। अबे आगे के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं भाई, चलो सोचेंगे पहले, रुक जाओ इधर कंप्लीट करने दो भाई मेरे को। आई गेस ठीक है सब कुछ, बढ़िया एवरीथिंग ऑल राइट लग तो रहा है देख के यही। अब बारी आती है फ्रंट की, सबसे पहले तो ये साइन बोर्ड जो है इसका कुछ करना पड़ेगा। रुक जाओ इसको पहले टू स्टोरी तो बना लूँ मैं, बनाना है ना भाई टू स्टोरी, पता नहीं हाँ बना ही डालते हैं, देखते हैं जो भी होगा, बाद में अपग्रेड करते रहेंगे जब अपने पास बड़ी जगह हो जाएगी, तब तक के लिए तो ऐसे ही चलने दो भाई काम। एक सेकंड, अब मैं उल्टा सीन कर दूँ क्या, मैं क्या सोच रहा हूँ अब कि ये इधर लगाते हैं, जो नीचे की तरफ अलग शीशे हैं ऊपर वो अलग जगह, पता नहीं कैसे लगेंगे ये। ओके ऑलमोस्ट मेरा सेकंड फ्लोर भी कंप्लीट होने को आ चुका है, और आई गेस ये टाइम है एक बार चेक करने का कि ये कैसा लग रहा है। अरे वाह भाई बढ़िया लग रहा है शोरूम तो, तबाही सी मचा दी मैंने तो शोरूम के अंदर। और स्पेशली ये जो ग्लास का सिस्टम है ना भाई, ऐसे 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 एकदम ही बढ़िया लग रहा है, कर्व डिज़ाइन एकदम यूनिक सा भाई साहब, चारों तरफ से क्या एपिक हाई क्लास मॉडर्न क्लास शोरूम लग रहा है ये। अभी लेकिन छत कंप्लीट करना बाकी है, और ये सिस्टम कैसे काम करेगा ज़रा इसको चेक करते हैं।
रुक जाओ भाई, अभी अभी बहुत कुछ करना बाकी है यार। अभी तो पहले इसको मैं एक्सपेंड करूँगा शोरूम को, अभी तो ये बहुत छोटा है। ओके यहाँ पर गाड़ी लाया मैं, चल भाई ऊपर। ऑटोमेटिक नहीं है क्या ये? अबे फिर क्या फायदा यार। ओए मैं अपने आप ही चल रहा हूँ, रुक जा। ओके ऑटोमेटिक नहीं है भाई ये कैसे? ओए वेट यहाँ पर है। ओ ये रहा, लीवर अप लीवर डाउन। ओके ओके नाइस भाई, क्या एपिक तरीके से हम लोग ऊपर आ चुके हैं। और नीचे जाने का सिस्टम कहाँ पर होगा? ओके अच्छा ये वापस यहीं पे आ गया। और यहाँ से गाड़ी हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। छत तो नहीं टूटेगी? पता चला छत टूट गई। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये सीढ़िया, ये जो सीढ़िया मैंने बनाई है काम कर रही है बढ़िया, ये एकदम ही बढ़िया काम कर रही है भाई। आराम से मैं ऊपर नीचे आ जा पा रहा हूँ। यहाँ पर छत लगाने की आई गेस ज़रूरत तो नहीं है। अरे वाह भाई, मेरा शोरूम एकदम बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक तो, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अब बस बारी है गाइस फ्रंट को तैयार करने की और ये सब प्रॉपर करने की, फिर देखना ये शोरूम एकदम वर्ल्ड क्लास शोरूम लगेगा। लेट्स डू दिस। अभी फिलहाल रात हो रही है, सो के आता हूँ मैं। ब्यूटीफुल से सुबह हो चुकी है और मैं क्या सोच रहा हूँ यार, एक चक्कर मार के आते हैं ज़रा कार मार्केट प्लेस पे। आई नो गाइस तुम लोग वेट कर रहे हो मेरे शोरूम के कंप्लीट होने का, टेंशन मत करो भाई कंप्लीट कर दूंगा मैं आज। ये कार मार्केट प्लेस ओपन है तो मैंने सोचा एक चक्कर मारना तो बनता है यार। फिलहाल मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था, मेरे शोरूम का जो उधर वाला पार्ट है वहाँ से पास पड़ेगा ये कार मार्केट प्लेस, तो इधर की साइड से चलते फटाफट इसको यूज़ करते हुए। ओके देखा भाई कितनी जल्दी आ गए हम लोग यहाँ पे। क्या बिक रही है भाई गाड़ियाँ? महंगी महंगी बिक रही है तो बता दो। शोरूम तो अपग्रेड होता रहेगा, साथ में बाकी काम भी चलना चाहिए एकदम। ओके फरारी मिल रही है। ओके एक मस्टैंग, और दो दो फरारी मिल रही है क्या? ये भी फरारी वो भी फरारी। ओ भाई साहब अब क्या करूँ मैं, लिटरली मैं ला फरारी 4 लाख की मिल रही है यहाँ पे। और ये है, ये कौन सी है भाई? ये ला फरारी 2.5 लाख की मिल रही है। ओ दोनों ले सकता हूँ क्या मैं? ये आंटी जी मेरे को दे दो 2-10 में, चलो मामला निपटा दो, 2,10,000 बढ़िया ऑफर, दे जाओ दे जाओ भाई। देगा ये 2,10,000 में? ओके नाइस, चलो ये गाड़ी तो मैं भेज देता हूँ, वो फरारी भी ले लेते हैं फिर तो, कद किस बात की है। लेकिन यार पैसे भी तो चाहिए, यार पैसे भी तो चाहिए भाई उसके लिए, वहाँ पे अपने शोरूम को अपग्रेड भी तो करना है। एक लोन ले लूँ क्या छोटा सा? अरे छोटा सा लोन तो बनता है, 2 लाख का ले लेता हूँ मैं, ताकि मेरे पास पैसे हो जाए वो शोरूम में अपग्रेड्स वगैरह करने के लिए, उतने तो आई गेस बचेंगे मेरे पास। अबे अभी नहीं ले सकता, मैंने अभी पिछला ही लोन क्लियर नहीं किया यार। दो दो फरारी मिल रही है, ऐसे कैसे मौका छोड़ दूँ मैं? 397 हेलो आंटी, 330 में कर लो डील डन, बता रहा हूँ मैं बढ़िया ही ऑफ़र। 3 लाख कितने दे रहा हूँ मैं? 33,000। हाँ चलो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस ऑफ़र। ओके मेरे पास $24,000 बचे हैं सिर्फ। इतनी बढ़िया फरारी, दो दो मिल गई फरारी यार, वो भी एक ही जगह पे। अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास जो $24,000 बचे हैं उसमें मैं क्या करूँगा? मतलब मैं शोरूम अपग्रेड हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर पहले उन गाड़ियों को बेचूँ? मैं बहुत ज़्यादा गलत सिचुएशन में फंस चुका हूँ यार। और एक सेकेंड में वो भी तो लाया था पोर्शे खरीद के, अब उस पोर्शे को कब बेचूँ मैं? तब तक यहाँ पे बिकने पे लगा दूँ क्या? वो बिक जाएगी पोर्शे? पता नहीं आधे अधूरे शोरूम में क्या कस्टमर्स आएंगे, मुझे नहीं लगता भाई कोई कस्टमर आएगा आधे अधूरे शोरूम में। लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट टाइम ब्रो, फरारी रिपेयर कर दे। एक फरारी मैं अभी रखूँगा गाइस, दोनों नहीं बेचूँगा, बाद में बेचूँगा वैसे भी दोनों। एक फरारी चला चला के देखूँगा मैं कि आखिरकार में फरारी चलती कैसी है। लास्ट टाइम रात को खरीद के लाया था, GTR खरीदने के चक्कर में उसको चला के देख भी नहीं पाया था मैं। बहुत ही अनयूजुअल सा कलर करवाया मैंने, जो कभी कोई करवाता नहीं है, पता नहीं क्या ही कलर है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई GTR वाला कलर है, नहीं भाई GTR वाला कलर नहीं है, अलग कलर है ये वाला। अपग्रेड्स करवाने की वैसे कुछ खास ज़रूरत तो नहीं है, बट करवा देते हैं। चल मेरी पोर्शे तेरे को बेचने का टाइम आ चुका है, देखते हैं बिकती है कि नहीं। ये रही अपनी पोर्शे, ऑप्शन तो आ रहा है बेचने का, $3,00,000 पुट इट ऑन सेल। लेट्स सी, नहीं, ये भी तो ओपन करना पड़ेगा, ओपन ऑफिस। अब देखते हैं, आई गेस अगर ओपन रहेगा ऑफिस तो मैं कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता। यस क्लोज द ऑफिस टू एंटर एडिट मोड। चलो एक काम करते हैं, पोर्शे बिक जान देते हैं, उसके बाद अपग्रेड करेंगे। पोर्शे के यही तो फायदे है भाई, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं इसके लिए, खींचे चले आते हैं। अबे यार मैंने साफ भी नहीं किए है। 230 नाइस यार, इतना बढ़िया भी ऑफर नहीं सोचा था मैंने।
हेलो आंटी जी, 280 में ले जाओ, 285 में ले जाओ, चलो ले जाओ, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ले जाओ आंटी जी, मौज करो। अरे आंटी, 270 में ले जाओ, नहीं 280 में ले जाओ आंटी, बढ़िया बढ़िया आंटी, ले जाओ मौज करो। अरे अब तो मौज करो यार, हद कर दी है, 280 में भी नहीं ले रही है, 223 ये दे रही है, और ये भाई साहब कितने दे रहे हैं सूट बूट वाले, 229। भाई साहब देखो, 275 में ले जाओ, ये लास्ट ऑफर है मेरा आपके लिए, 275, डील डन, बात खत्म। यार ये बंदे मान क्यों नहीं रहे हैं, मैं 270 में निपटा रहा हूँ गाइस, आई नो कम है लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे को शोरूम अपग्रेड करना है। अबे ये 270 में भी नहीं ले जा रहा बेवकूफ, 265 भाई, अब तो ले जा। ओके फाइनली 265 में ले गया वो, चलो चलो हटो हटो, मेरे पास पैसे आ गए हैं, शोरूम अपग्रेड करते हैं। तो कहाँ तक पहुँच गया था मैं, हाँ अब इसके लिए छत बनानी है एक, चलो अब तीसरा मंजिल तो नहीं बना रहा भाई मैं, वैसे तीसरी मंजिल बन सकती है, अजीबो गरीब चीज़ होगी भाई वो, तो बना के देखेंगे कहाँ तक ये जा सकती है इसकी छतें। फिलहाल तो अभी इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इसकी रूफ़ को। अब फ्रेम वाला जो, मतलब फ्रंट वाला जो काम है उसको फिनिश करते हैं इस वाली विंडो के साथ, नहीं, हाँ इस वाली विंडो के साथ, लेट्स डू दिस गाइस। फाइनली ये जो अपना शोरूम है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है, और बिल्कुल ही एपिक लग रहा है ये तो मैं कहूँगा भाई। तुम लोग बताओ गाइस कैसा लग रहा है अपने ये शोरूम। अबे यार अभी पूरा कहाँ बना, नीचे के दरवाजे लगाऊंगा मैं, रुक जाओ तुम लोग बस थोड़ी देर। कितना बड़ा दरवाज़ा लगेगा यार, यार पहले ये सब सीन हटाओ, ये सामने वाला हटाओ पहले, तो ये जो अपना ये फ्लाइट कार्स का जो ये बड़ा सा बोर्ड है इसे बीचों बीच पहले तो लगाओ यहाँ पे। भाई साहब क्या बात है, अगर ऑफिस की बात की जाए तो ऑफिस होना चाहिए एकदम ब्यूटीफुल सी जगह। पहले मैं अपग्रेड करूँगा गाइज ऑफिस भी, अपना एक अलग रूम बनाऊँगा, लेकिन अभी के लिए आई गेस फिलहाल यहाँ ठीक रहेगा, ये इस कोने में, अभी तो कोने में ही ठीक रहेगा ये, क्योंकि मेरे पास ना अभी ज़्यादा जगह है और ना अभी ज़्यादा पैसे हैं कि मैं बहुत सारे अपग्रेड करूँ। डस्टबिन, डस्टबिन भी अब ऑफिस के अंदर ही रख सकते हैं हम लोग, तो डस्टबिन भी डेफिनेटली एक कोने में रहेगा। लुक खराब तो नहीं हो रहा, नहीं यार कहीं ना लुक खराब हो रहा है। ओके सामने वाला सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने पार्ट, अब वापस से लौटते हैं कस्टमाइजेशंस पे। तो सबसे पहले तो अब एक दरवाज़ा लगाते हैं भाई, डोर्स, डोर्स देखो भाई कितने तरीके के लग सकते हैं, ये लग सकता है, ये थोड़ा अलग है, मुझे तो गाड़ियां ले जाने वाला डोर चाहिए ना भाई, बड़ा सा जो सबसे बड़ा दरवाज़ा है यहाँ पे, कौन सा है पता नहीं कौन सा है, ये कैसा खुलेगा। अच्छा ये तो शुरुआत वाला है जो शुरुआत में था, ऐसा नहीं है भाई जो अलग अलग कॉलम्स में खुले, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये बढ़िया लग रहा है लेकिन ये खुलेगा कैसे, लेट मी चेक दिस। हेलो ब्रो खुल, सिर्फ गाड़ियों के लिए खुलेगा क्या ये, फरारी लेकर चलते हैं ज़रा, गाड़ियों के लिए खुलेगा ये सिर्फ, फिर फ़ायदा क्या। ओके तो ये गाड़ियों के लिए है, अरे सारे खुल गए, ओके तो ये सारे के सारे गाड़ियों के लिए हैं, तो इसके लिए तो एक बैक एंट्रेंस बनानी पड़ेगी भाई। यार फिर शोरूम का लुक, अबे यार क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ये शोरूम, तो मेरा एकदम कहर लग रहा है, जहर लग रहा है। सोच लिया मैंने, मैंने सोच लिया, सबसे पहले तो ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ और ये भी हटाओ। अब देखो गाइस मेरा सिंपल सा आइडिया, दरवाजे जो हैं ये लगा देता हूँ मैं जो पैदल आना चाहता है, सिंपली जस्ट लाइक मी, ठीक है। अब लगा देते हैं गाड़ी वाला, मतलब अगर कोई गाड़ी लेकर आता है उसके लिए दरवाज़ा, तो वो हो जाएगा यहाँ यहाँ साइड में, और अब बाकी नॉर्मल शीशे लग जाएंगे, और एक यहाँ पे। ओ भाई साहब क्या ही बात है भाई, मेरा शोरूम पूरा कंप्लीट हो गया, तबाही सी मचा दी यार मैंने। ओ भाई साहब क्या ग्रैंड शोरूम लग रहा है यार, इस शोरूम के लिए गाइज अभी के अभी लाइक बनता है। यस अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया ना भाई, बहुत ज्यादा बड़ी वाली मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि एक बार इस शोरूम को देखो तो सही भाई, कितना प्यारा लग रहा है, कहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी और आज हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, और क्या ब्यूटीफुल शोरूम बन चुका है। लेकिन ये कचरा मेरी हमेशा जिंदगी बर्बाद करके रखेगा, ये कचरा, पहले कचरा साफ करते हैं। अरे वाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन यार ये डस्टबिन
के लिए कोई और जगह होती तो ज्यादा बेटर रहता। क्या मैं उस पार से डस्टबिन में डाल सकता हूँ? हेलो इस पार, अरे वाह यार, अरे ये तो बढ़िया चीज है, शीशे के आर पार भी मैं डस्टबिन के अंदर डाल सकता हूँ, वाह नाइस। तो अब देखो भाई, सिंपली शोरूम के अंदर एंटर करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो जो बंदा आएगा वो नहा धो के आना चाहिए, सबसे पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त, मैं नहा के आया हूँ वैसे, एक सेकेंड, हाँ नहा के आया हूँ मैं। और ये मेन एंट्री है, ये नॉर्मल। और अगर किसी को गाड़ी लेके एंट्री लेनी है, किसी को क्या मतलब मैं ही एंट्री लेके आऊंगा गाड़ी, तो गाड़ी लेके अगर एंट्री लेनी है तो सिंपली आना होगा इस दरवाजे के आगे, और ये दरवाजा इस तरीके से ऊपर हो जाएगा और गाड़ी सिंपली अंदर आ जाएगी और वो दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सिंपली अगर गाड़ी को बाहर लेके जाना है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपली यहाँ पर आओ, ये अपने आप ही ओपन होगा और गाड़ी हम लोग बाहर लेके आ जाएंगे। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। और शोरूम क्या एपिक तरीके से काम कर रहा है और क्या एपिक लग रहा है। जरा दूर से आऊं मैं, रुक जाओ पहले GTR चमकाता हूँ। GTR मैंने चमका लिया, अब जरा इसे कहीं दूर लेके चलते हैं और फिर दूर से आते हैं, देखना शोरूम कितना एपिक लग रहा है। ओके चलो भाई यहाँ से वापस घूम के चलते हैं। और वो देखो भाई, पूरा शीशों से बना शोरूम जहाँ पर आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ ग्लासेस ही हैं, चोरी ना हो जाए मेरे शोरूम में। और एवरीवेयर भाई, हर तरफ से, हर एंगल से क्या ही ब्यूटीफुल और क्या ही एपिक लग रहा है। और ये जो मिरर्स का कॉम्बिनेशन है ना भाई, एक बॉर्डर वाला एक बिना बॉर्डर, एक बॉर्डर और एक बिना बॉर्डर, ये कॉम्बिनेशन लिटरली में एकदम क्लासिक लग रहा है। और फ्रंट लुक तो आ ही रही है भाई, गदर एकदम। साइन बोर्ड थोड़ा और बड़ा हो जाता, फ्लाइट कार्स एकदम और बड़ा बड़ा दिखता, लेकिन जो भी हो ठीक है। और ये अपनी एंट्रेंस भी एकदम बढ़िया है, चलो भाई खुल जा। और ये सिंपली आ गए अपनी GTR लेके, नाइस यार। अपनी सुप्रा भी चमका दूं जरा मैं, गंदी हो रखी है। ओके सुप्रा मैंने चमका दी, अब जरा बाहर से एक बार लुक देखते हैं। अरे बंद होना भाई गेट। ओहो गाड़ियां क्या बढ़िया दिख रही है। गाड़ियों के शोरूम में सबसे मेन चीज क्या है कि भाई बाहर से आते जाते कस्टमर को एकदम गाड़ियां दिखनी चाहिए, और देख सकते हो भाई गाड़ी ही तो दिख रही है अपने शोरूम में और दिख क्या रहा है। बाकी गाइस आज की ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और कमेंट में तुम लोग आगे सजेशंस दे सकते हो मुझे और शोरूम के अंदर क्या क्या ऐड करना चाहिए। फिलहाल तो वो गाड़ियों के घूमने वाला सिस्टम भी ऐड करूंगा मैं, और ये मस्त अपनी छत पे जाने का रास्ता है ही। इधर मैंने वॉल स्नेल लगाई क्योंकि आई गेस शायद टकराऊंगा मैं इस छत से, लग रहा है मेरे को ऐसा फील हो रहा था। देखो भाई पता नहीं, देखेंगे बाद में लगा के। इसके अलावा ये ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, यहाँ एक शीशा नहीं लगाना चाहिए था ताकि मैं डायरेक्ट जंप कर सकूं, वैसे डायरेक्ट जंप तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो कैसा लगा अपने ये शोरूम कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।